अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, रॉयल जायका बेतसली में आप सबका स्वागत है। आज हम बनाएंगे चिकन 65। तो आइए इसकी रेसिपी देखते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पर 300 ग्राम के करीब चिकन लिया है, उसमें हम 2 चम्मच भर के अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे। अब इसमें जाएगा धनिया पाउडर 1 चम्मच, वन फोर्थ टीस्पून काली मिरी पाउडर ऐड करेंगे, एक चम्मच जीरा पाउडर जाएगा, एक चम्मच गरम मसाला पाउडर, एक चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। अब इसमें जाएगा चिकन 65 मसाला, ये आपको मार्केट में आसानी से मिल जाएगा। 1 चम्मच मैदा ऐड करेंगे, 1 अंडा जाएगा इसमें। इन सारी चीजों को हम अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। 1 चुटकी फूड कलर भी जरूर ऐड कीजिएगा, इससे कलर बहुत ही अच्छा आता है। इस मैरिनेटेड चिकन को हम फ्रिज में 1 घंटे के लिए छोड़ देंगे। लगभग 1 घंटा हो चुका है, अब हम सारे चिकन के पीसेस को फ्राई कर लेंगे। इसे बिल्कुल ही हाई फ्लेम पे हम कम से कम 5 मिनट तक दोनों तरफ से फ्राई करेंगे। ज़्यादा देर तक इसे बिल्कुल भी फ्राई मत कीजिएगा, नहीं तो हमारे चिकन के पीसेस जो है वो हार्ड हो जाएंगे। सो यहाँ पर देखिए हमारे सारे चिकन के पीसेस जो है वो फ्राई हो चुके हैं। आइए अब हम चिकन 65 की सेमी ग्रेवी के लिए एक मसाला रेडी करेंगे। इसके लिए मैंने यहाँ पर एक बोल में 200 ग्राम के करीब दही लिया है। अब इसमें जाएगा 1 चम्मच रेड चिली सॉस, 1/2 चम्मच सोया सॉस, 1/2 चम्मच विनेगर, 2 चम्मच टोमेटो केचप जाएगा इसमें, 1 चम्मच गरम मसाला पाउडर, नमक ऐड करेंगे। नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड कीजिएगा और इन सारी चीज़ों को हम अच्छी तरीके से फेंट लेंगे। अब इसमें जाएगा 1/4 टीस्पून रेड फूड कलर, हमें इसे बहुत ही अच्छी तरीके से फेंटना है। सारे दही के जो लम्स है वो अच्छी तरीके से मिक्स हो जाने चाहिए। अब इसमें जाएगी 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। सो यहाँ पर हमारी चिकन 65 की सेमी ग्रेवी का जो मसाला है वो रेडी है। अब हम नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ चलते हैं। इसके लिए मैंने यहाँ पर एक नॉनस्टिक बर्तन में 2 टेबलस्पून भर के ऑयल ऐड किया है। ऑयल जैसे ही गर्म होगा हम इसमें 1 चम्मच भर के जीरा ऐड करेंगे, कुछ कड़ी पत्ते जाएंगे इसमें, कड़ी पत्ते ज़रूर ऐड कीजिएगा, इससे टेस्ट बहुत ही एनहांस हो जाता है। 4 से 5 हरी मिर्च को स्लिट करके ऐड करेंगे, 2 चम्मच चॉप किया हुआ लहसुन ऐड करेंगे, 1 मीडियम साइज के प्याज को बारीक चॉप करके ऐड करेंगे। अब इसमें जाएगा 1 चम्मच भर के अदरक लहसुन का पेस्ट। इन सारी चीज़ों को हम कम से कम 2 से 3 मिनट तक फ्राई करेंगे ताकि अदरक लहसुन का कच्चापन जो है वो ख़त्म हो जाए। हमने जो दही का मिक्स रेडी करके रखा था वो अब हम इसमें ऐड करेंगे। इस मसाले को ऐड करते वक्त हम फ्लेम को बिल्कुल ही लो रखेंगे, नहीं तो हमारी दही जो है वो फट सकती है। इसे हम कम से कम ढककर 5 से 6 मिनट तक धीमी आंच पर पकाएंगे। 5 से 6 मिनट हो चुके हैं, आइए अब हम इसे चेक कर लेते हैं। सो यहाँ पर हमारा मसाला जो है वो बिल्कुल अच्छी तरीके से पक चुका है। अब हम इसमें कॉर्नफ्लावर का घोल ऐड करेंगे। इसके लिए मैंने यहाँ पर 1 चम्मच कॉर्नफ्लावर लिया है, उसमें हम 1/2 ग्लास के करीब पानी ऐड करेंगे। जितनी पतली आपको ग्रेवी चाहिए उस हिसाब से आप पानी ऐड कीजिएगा, ये देखिए बिल्कुल ऐसे। अब हम इस कॉर्नफ्लावर के घोल को ग्रेवी में ऐड करेंगे, इससे हमारे ग्रेवी में एक बढ़िया सी चमक आ जाएगी और गाढ़ापन आ जाएगा। इसे हम कम से कम 3 से 4 मिनट तक पकाएंगे। यहाँ पर देखिए ग्रेवी बिल्कुल पकना शुरू हो चुकी है। इसी स्टेज पे अब हम इसमें चिकन 65 के पीसेस ऐड करेंगे। थोड़े से पीसेस हम ऊपर से सजाने के लिए रखेंगे। सारे चिकन के पीसेस को हम ग्रेवी के साथ अच्छी तरीके से कोट कर लेंगे।
ग्रेवी जैसे ही पकना शुरू हो जाएगी हम इसमें हरा धनिया ऐड करेंगे और फ्लेम को ऑफ कर देंगे। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारी चिकन 65 विद सेमी ग्रेवी बिल्कुल रेडी है। आइए अब हम इसे डिश आउट कर लेते हैं। ऊपर से बचे हुए चिकन की फ्राई किए हुए पीसेस हम इसके ऊपर रखेंगे। ये एक बहुत ही बेस्ट कॉम्बिनेशन है। दोस्तों, बहुत से लोग ये सोचते हैं कि इस डिश का नाम चिकन 65 क्यों है, क्योंकि 1965 में चेन्नई की बुहारी होटल ने चिकन 65 इस डिश को इंट्रोड्यूस किया था, इसीलिए इसका नाम चिकन 65 है। इसे तंदूरी रोटी, बटर गार्लिक नान या बटर रोटी के साथ आप खा सकते हैं। ये एक ऐसी डिश है जो बहुत ही झटपट से बन जाती है, इसीलिए आप लोग भी इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आज हम बनाएंगे चिकन मंचूरियन, तो आइए इसकी रेसिपी देखते हैं। यहाँ पर मैंने 200 ग्राम्स के करीब चिकन लिया है, उसे लंबे लंबे पीसेस में कट किया है। चिकन को हम अच्छी तरीके से धोकर उसका सारा पानी निकाल लेंगे। अब इसमें जाएगा 1/2 टीस्पून काली मिरी पाउडर, 1/2 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर जाएगा इसमें, 1 अंडा ऐड करेंगे इसमें, हल्का सा नमक ऐड करेंगे। अब इसमें जाएगा 2 चम्मच के करीब सोया सॉस, 2 चम्मच कॉर्नफ्लावर जाएगा इसमें, 1 चम्मच मैदा भी ऐड करेंगे। सारी चीज़ों को हम अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे ताकि चिकन जो है वो अच्छी तरीके से सारे मसालों के साथ कोट हो जाए। 2 घंटे बाद हम सारे चिकन के पीसेस को फ्राई करेंगे, दोनों तरफ से क्रिस्पी और गोल्डन होने तक हम इसे फ्राई करेंगे। सारे चिकन के पीसेस जो है वो फ्राई हो चुके हैं, अब हम इसे निकाल लेंगे। यहाँ पर मैंने एक बोल लिया है, इसमें हम 1.5 कप पानी ऐड करेंगे। कप का साइज देख लीजिए फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने आपको वीडियो में बताया है। ये बड़ी साइज का मग है जैसे कि हम कॉफी के लिए यूज करते हैं। अब इसमें हम ऐड करेंगे 2 बड़े टेबलस्पून भर के सोया सॉस, 1 बड़ा चम्मच भर के टोमेटो केचप ऐड करेंगे, 2 बड़े टेबलस्पून रेड चिली सॉस जाएगा इसमें। हर एक इंग्रेडिएंट डालने के बाद हम इसे अच्छी तरीके से मिक्स करते जाएंगे। 2 टीस्पून कॉर्नफ्लावर ऐड करेंगे। तमाम चीजों को हम अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। एक नॉनस्टिक बर्तन में हम 2 से 3 टेबलस्पून भर के ऑयल ऐड करेंगे। जैसे ही ऑयल गर्म होगा हम इसमें 1 चम्मच चॉप किया हुआ लहसुन और 1 चम्मच चॉप किया हुआ अदरक ऐड करेंगे। इसे हम अच्छी तरीके से फ्राई करेंगे ताकि इसका कच्चापन खत्म हो जाए। स्प्रिंग अनियन के ऊपर जो प्याज होती है वो हम बारीक चॉप करके इसमें ऐड करेंगे। इसे भी हम फ्राई कर लेंगे। बीच में जाएगी हरी मिर्च, जितना आप तीखा खाना पसंद करते हैं उस हिसाब से हरी मिर्च ऐड कीजिएगा। 1/2 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे। 2 शिमला मिर्च को मैंने स्क्वायर पीसेस में कट किया है वो इसमें ऐड करेंगे। 1/2 चम्मच काली मिर्च पाउडर, 1/2 चम्मच चिली फ्लेक्स, 1 बोल स्प्रिंग अनियंस ऐड करेंगे इसमें। एक मिक्स देते हुए हम इसमें नमक ऐड करेंगे। नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड कीजिएगा। 2 से 3 मिनट तक पकाने के बाद हम इसमें कॉर्नफ्लावर का घोल ऐड करेंगे जो हमने सॉसेज के साथ बनाकर रेडी किया था। कॉर्नफ्लावर के घोल को हमें अच्छी तरीके से मिक्स करना है क्योंकि ये नीचे की तरफ जाके बैठ जाता है। फिर से हम इसमें 1 चम्मच टोमेटो केचप ऐड करेंगे, 1/2 चम्मच सोया सॉस जाएगा इसमें। ये देखिए यहाँ पर ये अभी पतला लग रहा है, थोड़ी देर पकने के बाद ये अपने आप गाढ़ा होता जाएगा। कॉर्नफ्लावर ऐड करने की वजह से इसके ऊपर एक अलग सी चमक आ गई है। ये देखिए यहाँ पर इसकी कंसिस्टेंसी देख सकते हैं आप लोग, बिल्कुल ऐसी ही कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। 5 से 6 मिनट तक पकाने के बाद अब हम इसमें फ्राई किए हुए चिकन के पीसेस को ऐड करेंगे।
रेडी है। आइए अब हम इसे डिश आउट कर लेते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, ये कितना टेम्पटिंग और कितना टेस्टी लग रहा है। ग्रेवी में हमने जो सोया सॉस और टोमेटो केचप ऐड किया था, इसकी वजह से इसका कलर जो है वो बहुत ही एनहांस हो जाता है। ऊपर से थोड़े से स्प्रिंग अनियंस जरूर गार्निश कीजिएगा, ये देखने में बहुत ही अच्छा लगता है। सो गाइज, यहाँ पर हमारा रेस्टोरेंट स्टाइल चिकन मंचूरियन विद सेमी ग्रेवी बिल्कुल रेडी है। आप लोग भी इस डिश को जरूर ट्राई कीजिएगा, ये बहुत ही यम्मी लगता है खाने में। इस तरह की अच्छी अच्छी रेसिपीज के लिए मेरे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज। आज हम बनाएंगे चिकन चटकारा बोटी, तो आइए इसकी रेसिपी देखते हैं। 300 ग्राम्स बोनलेस चिकन लिया है मैंने यहाँ पर। अब हम इसमें कुछ इंग्रेडिएंट्स ऐड करेंगे, जैसे कि हरा धनिया और पुदीने के पत्ते, इसे मैंने बारीक चॉप कर लिया है। अब इसमें जाएगा 2 चम्मच जीरा पाउडर, 1/2 चम्मच गरम मसाला पाउडर, 1/4 टीस्पून काली मिरी पाउडर, 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे, 1 चम्मच रेड चिली फ्लेक्स, 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच पिसी हुई हरी मिर्च ऐड करेंगे। जितना आप तीखा खाना पसंद करते हैं उस हिसाब से हरी मिर्च ऐड कीजिएगा। नमक ऐड करेंगे, नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड कीजिएगा। अब इसमें जाएगा 100 ग्राम दही, 4 से 5 मीडियम साइज की प्याज का बेरिस्ता मैंने यहाँ पर रेडी किया है, वो हम इसमें ऐड करेंगे। एक अच्छा सा मिक्स दे देंगे हम सारी चीजों को। यहाँ पर हमारा चिकन जो है वो मैरिनेट हो चुका है। अब हम इसे फ्रिज में 1 घंटे के लिए सेट होने के लिए रख देंगे। एक नॉनस्टिक बर्तन में हम 4 टेबलस्पून भर के ऑयल ऐड करेंगे, उसे हम गरम कर लेंगे। ऑयल जैसे ही गरम होगा हम इसमें 2 चम्मच चॉप किया हुआ लहसुन ऐड करेंगे और इसे गोल्डन होने तक हम फ्राई कर लेंगे। अब हम इसमें 4 से 5 मीडियम साइज के टमाटर को चॉप करके ऐड करेंगे, 1 चम्मच पिसी हुई हरी मिर्च ऐड करेंगे। आप अगर चाहे तो इसे चॉप करके भी ऐड कर सकते हैं। अब हम इसमें मैरिनेटेड किया हुआ चिकन ऐड करेंगे। टमाटर और चिकन को हम अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते हुए हम इसे भून लेंगे। जैसे ही ये पकना शुरू हो जाएगा हम इसके ऊपर लिड लगाकर कम से कम 15 मिनट तक इसे पकाएंगे। लगभग 15 मिनट हो चुके हैं, आइए अब हम चिकन को चेक कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, हमारा चिकन जो है वो अच्छी तरीके से गल चुका है। अब हम इसमें 1 चम्मच कसूरी मेथी ऐड करेंगे। हाथों की मदद से क्रश करते हुए हम कसूरी मेथी ऐड करेंगे। एक मिक्स देते हुए हम इसे कम से कम और 5 मिनट तक पकाएंगे लिड लगाकर। 5 मिनट तक और पकने के बाद देखिए इसके ऊपर एक बढ़िया सी तरी आ चुकी है। अब हम फ्लेम ऑफ कर देंगे। सो यहाँ पर गाइस देखिए, हमारा चिकन चटकारा बोटी जो है वो बिल्कुल रेडी है। ये एक सेमी स्टार्टर डिश है जो कि आप फुलकों के साथ, बटर गार्लिक नान के साथ या तंदूरी रोटी के साथ भी सर्व कर सकते हैं।
ये एक बहुत ही सिंपल सी चिकन की रेसिपी है जो कि बहुत ही जल्दी बन जाती है। इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ये बहुत ही डिलीशियस बनती है। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो इसे ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। आज हम बनाने जा रहे हैं चिकन चिली ड्राई, आइए इसकी रेसिपी देखते हैं। मैंने यहाँ पे 500 ग्राम चिकन लिया है, इसमें हम ऐड करेंगे 3 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, 1 टीस्पून हल्दी पाउडर, 2 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्ची पाउडर, 1 टीस्पून तीखी लाल मिर्ची पाउडर, 1 नमक, आप अपने टेस्ट के हिसाब से ले लेना, कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं, 2 टीस्पून भर के तंदूरी मसाला और 1 टीस्पून जीरा पाउडर डालेंगे। अब हम इसमें 1 अंडा डालेंगे और अब हम इसमें 1/2 टीस्पून ब्रेड फूड कलर ऐड कर देंगे और इन तमाम चीजों को हम अच्छी तरीके से मिला लेंगे। अच्छी तरह से मिला लेने के बाद हम इसे आधे घंटे के लिए फ्रिज में रख देंगे। लगभग आधा घंटा हो चुका है, अब हम इसमें 1 चम्मच भर के कॉर्नफ्लोर डालेंगे और 1 चम्मच भर के मैदा ऐड करेंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसे तेज आंच पर फ्राई कर लेंगे। ये ध्यान रहे कि इसे हमें ज्यादा फ्राई नहीं करना है, सिर्फ 5 मिनट ही फ्राई करना है। अब हम चिकन चिली का सॉस बनाते हैं, आइए देखते हैं ये कैसे बनता है। इसके लिए हम एक कढ़ाई में 2 चम्मच भर के तेल डालेंगे, उसमें हम 5 से 8 कलियां लहसुन की बारीक चॉप कर डालेंगे और इसे गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। दो हरी मिर्चों को कट कर हम इसमें ऐड कर देंगे, 2 चम्मच भर के अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे और कंटिन्यूसली इसे चलाते रहेंगे। एक मीडियम साइज की प्याज लंबी लंबी कट कर हमें ऐड करना है इसमें और इसे हिलाते रहना है। इसके बाद हम इसमें रेड चिली सॉस ऐड करेंगे 1 चम्मच, ग्रीन चिली सॉस ऐड करेंगे 1 चम्मच, टमाटो केचप ऐड करेंगे 1 चम्मच, सोया सॉस ऐड करेंगे 1/2 चम्मच, 1 चम्मच विनेगर डालेंगे और इसे स्टर करते रहेंगे। दो शिमला मिर्च और 2 प्याज को स्क्वायर शेप में कट करके हमें इसमें ऐड कर देना है और 2 मिनट के लिए इसे फ्राई करेंगे। शिमला मिर्च और प्याज को हमें ज़्यादा नहीं फ्राई करना है, हमें इसका क्रंचीनेस बरकरार रखना है, इसीलिए हम इसे सिर्फ 2 मिनट ही फ्राई करेंगे। अब हम इसमें 3 चम्मच भर के शेजवान चटनी ऐड करेंगे और इसे अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। सॉस में थोड़ा सा गाढ़ापन और चमक लाने के लिए हम 1/2 चम्मच कॉर्नफ्लोर को 1/2 बोल पानी में मिक्स करके
इसमें ऐड कर देंगे और इसे अच्छे से मिला लेंगे। अब हम हमारे फ्राइड चिकन के पीसेस को इसमें ऐड कर देंगे ताकि ये सारा सॉस इसमें अच्छे तरीके से कोट हो जाए। इसे हमें करीब 5 मिनट तक अच्छी तरीके से मिक्स करना है ताकि सारा सॉस इसमें मिल जाए। चलिए मैं आपको इसे सर्व करके बताती हूँ। फ्रेंड्स, आप लोग इसे गर्मा गर्म ही एंजॉय कीजिए, ये बहुत ही यम्मी लगती है। चिकन चिली फ्रेंड्स इंडिया में बहुत ही ज़्यादा पसंद की जाती है। तो इसे इजी वे में कैसे बनाते हैं मैंने आपको यही इस वीडियो में बताया है। वीडियो अगर पसंद आया है तो आप प्लीज़ इसे लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड गाइस, प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन। अल्लाह हाफिज़।